पैसे पैसे को मोहताज हो चुके पाकिस्तान की बैलेंस शीट का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट कर करके पाकिस्तान अब खुद नीलाम होने की कगार पर पहुंच गया है और उसके पास अपने खर्चे पूरा करने तक की रकम नहीं बची है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की अय्याशी और ऐशो आराम के माल की सेल लगा दी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास की लग्जरी गाड़ियों की लंबी चौड़ी लिस्ट के अलावा 3 हेलीकॉप्टर तक शामिल हैं। और तो और, पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उन 8 भैंसों को भी नीलामी में शामिल किया है जो प्रधानमंत्री आवास में आराम फरमा रही थी, जो कर्ज में डूबे पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने की अंतिम कोशिश है। जिस देश ने सारी शर्म हया बेच खाई हो, उस देश को ये दिन तो एक ना एक दिन देखना ही था। दाने दाने को मोहताज हो चुके पाकिस्तान की इमरान सरकार कर्ज के दलदल में फंस चुके पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुराने पाकिस्तान की नीलामी में जुटी है। पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में मौजूद लग्जरी कारों के इस भारी भरकम बेड़े की नीलामी का फैसला किया है। ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आवास में 17 सितंबर को होने वाली नीलामी के दौरान बिक्री के लिए रखी जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इन आलीशान गाड़ियों के बेड़े में 80 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें 8 BMW शामिल हैं, 4 मर्सिडीज बेंच कारें शामिल हैं, 2 बुलेट प्रूफ कारें हैं, इसके अलावा टोयोटा मॉडल की 16 कारें हैं। इन सभी के अलावा नीलामी में 2015 मॉडल की 4 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर वाहन भी रखे जाएंगे। गाड़ियों का ये बेड़ा कर्ज के बोझ तले दब चुके उस पाकिस्तान के हुक्मरानों की अय्याशियों का सबूत है, जिससे इमरान खान की सरकार जल्द से जल्द अपना पीछा छुड़ा लेना चाहती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए जो मिशन लॉन्च किया है वो अभी रुकने वाला नहीं। इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार नईमुल हक ने ट्वीट करके आगे की योजना बताई है, जिसके मुताबिक इमरान सरकार बिना इस्तेमाल वाले 4 अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों को भी बेचेगी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उन 8 भैंसों को भी नीलाम किया जाएगा, जिन्हें नवाज शरीफ ने पीएम हाउस में अपने खान पान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाल रखा था। इमरान खान जिस नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर प्रधानमंत्री बने हैं, उस नए पाकिस्तान के लिए पहली शर्त ही ये है कि पुराने पाकिस्तान के पाप को धोया जाए। इमरान खान को इस बात का पूरा अंदाजा है। गर्दिशी कर्जों का मसला है, एनर्जी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में वो है पानी का मसला। पानी का मसला ऐसे है कि मैं आपके सामने फिगर स्टेटिस्टिक्स रखता हूँ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हर पाकिस्तानी के हिस्से में जो पानी आता था वो था 5,600 क्यूबिक मीटर। आज सिर्फ 1,000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया हर पाकिस्तानी के हिस्से में। जो पाकिस्तान में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो है सिर्फ 30 दिन की, हिंदुस्तान की 190 दिन की। मिस्र जिधर बारिश नहीं होती वहां 1,000 दिन की कैपेसिटी है। जो दुनिया समझती है कि सेफ कैपेसिटी है एक मुल्क के लिए, जो सेफ लेवल है वो 120 दिन है, हमारे पास सिर्फ 30 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी है। जिस देश में आवाम को खाने के लिए लाले पड़े हों, उस देश के हुक्मरान अय्याशी की पराकाष्ठा पार करते रहे, ये पाकिस्तान की रवायत रही है। लेकिन इमरान खान इस रवायत को बदलने का जज्बा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के गवर्नर हाउसों को भी अब आम पब्लिक के लिए खोला जा रहा है, ताकि सरकार के खाली हो चुके खजाने में थोड़ा पैसा आ सके। खुद को बेचने के लिए मजबूर हो चुके पाकिस्तान की माली हालत इस कदर फटे हाल हो चुकी है कि उसके पास दुनिया से लिए कर्ज का ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। उल्टे उसे हजारों करोड़ डॉलर की जरूरत है, जिसे देने के लिए ना तो कोई देश तैयार हो रहा है ना कोई इंटरनेशनल संस्था। लिहाजा पाकिस्तान के पास अब खुद को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, जिसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान आतंकवादी देश तो पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब अगर दूसरे देशों ने पाकिस्तान के कटोरे में सिक्के नहीं फेंके तो पाकिस्तान जल्द ही दिवालिया देश घोषित कर दिया जाएगा और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ $10 बिलियन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ये इतनी कम रकम है कि पाकिस्तान उससे सिर्फ 2 महीनों का ही आयात कर पाएगा।
वो भी बहुत खींचतान कर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आकलन के अनुसार पाकिस्तान को मौजूदा वित्त वर्ष में विदेशी कर्ज की किश्तें देने के लिए 11.7 बिलियन डॉलर की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस वित्त वर्ष में 31 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। ये आकलन पाकिस्तान के चालू व्यापार घाटे के आंकड़ों पर आधारित है, जो बीते दो सालों में 4 गुना तक बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2018 में पाकिस्तान का चालू व्यापार घाटा 40% से अधिक बढ़कर 12 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है। पिछले साल दिसंबर से पाकिस्तानी रुपए का अब तक 4 बार अवमूल्यन हो चुका है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज भी बढ़कर अब 91.8 अरब डॉलर हो गया है। हालत यह है कि पाकिस्तान की 305 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में 1/3 से अधिक कर्ज है। पाकिस्तान आज कंगाली की जिस हालत में पहुंच चुका है, वो उसके अपने ही कर्मों का फल है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी संगठनों के पालन पोषण में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बजाय उस पैसे को अपनी अर्थव्यवस्था में लगाया होता और आतंकवाद फैलाने में ध्यान देने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान लगाया होता, तो आज पाकिस्तान कर्ज के दलदल में न फंसा होता। वैसे हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों के पास भी पाकिस्तान का कर्ज उतारने का अच्छा मौका है, जिसने उन्हें पालने पोसने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी।